एक बच्चों की 2 से 3 साल तक यस कैल्शियम की डिमांड ज्यादा होती है क्योंकि ग्रोइंग बोन्स होती है, ठीक है, लेकिन रात के टाइम पे दूध पीना ये एक मिथ है, हम सब ने भी पिया है बचपन में, क्योंकि जरा हम हमने पिया अभी भी पीते हैं अगर मैं अगर जाऊँ ना अपने मामू के घर या कहीं तो मुझे वो कहेंगे नहीं दूध पीना है, बट मुझे ये बताएं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे की जाहिर है उस डीप स्लीप में हो रही है और उस वक्त कैल्शियम का होना जरूरी है, तो इसलिए भी दूध जरूरी रात को पीना या नहीं? इट्स अ मिथ तो अपने हिसाब से दूध सुबह पी लें और बल्कि हम सॉरी इस बारे में बात हो तो अगर हम स्लीप डिस्टर्बेंस की बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे अगर लेट नाइट सोने से पहले अगर मिल्क इंजेक्शन ले रहे हैं, मिल्क पी रहे हैं, और अगर वो इतना डीप स्लीप में तो समटाइम्स दे डोंट गेट अप फॉर गोइंग टू पी, यू नो बाथरूम जाने के लिए वो उठ नहीं पाते हैं, तो फिर बेड वेटिंग वाली हैबिट आ जाती है, जो बेड वेटिंग की इशू आता है तो अगेन स्लीप डिस्टर्ब होती है, बट इट इज नॉट फॉर एवरी किड, देयर आर फ्यू किड्स जिनकी इतनी डीप स्लीप होती है कि वो अपनी उस अर्ज को फील नहीं कर पाते हैं एंड दे पास इट ऑन बेड। थैंक यू सो मच, बहुत सीखा हमने आज आपसे और बाकी हम कोशिश करेंगे कि सेगमेंट को दोबारा भी प्ले करें ताकि बार बार देखें कि किस तरह से अपने बच्चों की स्लीप हैबिट्स को बेहतर बनाना है।